इस्तीफा दिया है। संगठन में बड़े बदलावों की मांग की थी और पार्टी में अपेक्षा से वो नाराज चल रहे थे। पार्टी की उपेक्षा से लगातार उनकी लंबे समय से नाराजगी चल रही थी। तो गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से यहां पर इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को, पार्टी से सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने यहां पर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, खुद को कांग्रेस से आजाद कर लिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर बिश्नोई हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोहर, बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को लगा है, काफी समय से हालांकि नाराजगी यहां पर जारी थी। चलिए तो फिर से यहां पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। बता दें कि कांग्रेस से सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद थे और उन्होंने काफी समय से संगठन में काफी बदलाव की यहां पर मांग की थी, और बदलाव नहीं होने की वजह से, उनकी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई बार इसमें बीच में तस्वीरें आई थी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी मनोहर बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा है, लेकिन जो नाराजगी है वो काफी लंबे समय से चली आ रही थी। बिल्कुल अंकुर, देखिए कि गुलाम नबी आजाद की नाराजगी बहुत पुरानी है। जिस तरीके से G23 का जो एक गठन हुआ था उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, और जिस तरीके से पार्टी में कुछ बदलाव को लेकर उन्होंने एक बात रखी थी, उसको लेकर के पार्टी में दो धड़े बन गए थे, G23 और दूसरे जो नेता है वो, उससे लेकर के राज्यसभा जिस तरीके से उनकी गई है उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी चल रही थी, और इससे वो पार्टी को ये संकेत देते रहे हैं कि वो नाराज हैं, उनसे बात की जाए, उनके उन कांग्रेस के फैसलों में उनको तरजीह दी जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी उनका रेस्पेक्ट किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस बात पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई, और जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर चुनाव समिति से इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार वो अपने अलग अलग तरीके से बात कहते रहे, संकेत देते रहे और नेताओं के माध्यम से बात भी पहुंचाते रहे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन पर उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसका नतीजा आज ये है कि उन्होंने सारी प्राथमिक सदस्यता से लेकर के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, और कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और आजाद कर लिया कहा जाए तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस जिस मोड़ पे खड़ी है, चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के उस मोड़ में जा रही है, और इस बीच ये इस्तीफे हो जाना, इससे पहले आनंद शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिस तरीके हिमाचल प्रदेश से अपने आप को अलग किया, और उससे पहले एक जो प्रवक्ता उन्होंने शहर के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब इस स्थिति में इस मोड़ पर आकर के कांग्रेस के लोग जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। न केवल जूनियर बल्कि सीनियर नेताओं में भी अब नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को कैसे पार किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन CWC की बैठक भी 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले इस्तीफा दिया है गुलाम नबी आजाद ने, और जो है 4 तारीख को महंगाई की रैली होनी है, 5 को गुजरात का कार्यक्रम है, 7 को जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी है। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब